इरोडो मींस, बेटा इरोडो गाली होती है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना तो उनको लेना, भगवान भी तो किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित करेंगे ना तुम्हें, है ना। तो भगवान तो भगवान है, वो तुमको कैसे गाली दे। तो जिनको पता नहीं है तो उन्होंने क्या करा है, एक किताब बनाई फिजिक्स वालों को गरियाने के लिए कि तुम पढ़ नहीं रहे, तुम्हें IIT जाना है। तब कैसे भगवान बोले, भगवान तो अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे ना, डेकोरम मेंटेन करना है। तो उन्होंने किताब बनाई कि ले बेटा इसको करें, और जब तुम उसको लगाते हो ना तो तुम्हें अपने पे गाली आता है, अपने पे गुस्सा आता है, प्रताड़ित होते, तुम्हें पनिश करने का एक तरीका है। तो कहीं पर भी हम बोल देना कि इरोडो है, तो मतलब भगवान चाहते थे कि तुम्हें वो प्रताड़ित किया जाए, तो वो तुम्हें गाली देना चाहते हैं, तुम कामचोर इंसान, ठीक है, तुम्हें मन करे तो हम धरती पर आके कुटिया दें, ठीक है, लेकिन क्या करें। तो उन्होंने किताब बना दी, ठीक है, किताबी फॉर्म में आपको गरियाने का तरीका है, समझ गए इरोडो क्या है। और वैसे ही एक और मतलब गरियाने का एक ही तरीका थोड़ा ना होता है, तो दो तीन तरीके हैं, तो क्रोटोप भी है। हाँ क्रोटोप भी है ना। जो ये किताब है ये आती मात्र 60-70 रुपए की है, फ्री में गाली खाओ, ठीक है। हाँ, और ये ऊपर से आती है। ये जो आप किताबों के नाम लिख रहे हैं ना, ये सारे ये घर वाले हैं, ये घर वाले अगर तुम्हें गाली देना चाहते हैं, इनडायरेक्टली दे नहीं पा रहे हैं, तो वो तुम्हें ये सब दे देते हैं, क्योंकि बहाना होता है, अरे यार 2500 रुपए की किताब ला के दे दिए तुम्हें, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन वो बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट पे फ्री में गाली खाए सब लोग, सारे लोग ट्राई करें और दिन भर अपने आप को प्रताड़ित करें, ठीक है। हाँ आ जाओ, मेरे ख्याल मार्केट में सबसे सस्ती और सबसे खतरनाक किताब है, लेकिन एग्जाम्पलर अगर आप देखें तो उससे भी सस्ती पड़ी जाती है रोडो, क्योंकि एक बच्चा खरीदता है 60-70 रुपए में, उसको समझ नहीं आता, एक क्वेश्चन लगाता है, दो दिन लग जाते हैं, फिर उसको लगता है यार ये तो मामला सही नहीं लग रहा है, वो उसको बेचता है 50% में। और अगर आप मार्केट में सेकंड हैंड लेने जाएंगे तो वो शायद 1 या 2 रुपए में भी किताब मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि लोगों के यूज की है नहीं, स्टार्टिंग में जोश में खरीद लेते हैं, उनको लगता है 60 रुपए की तो किताब है, क्या दिक्कत है, ठीक है, खरीद लेते हैं, और फिर लगता है भैया ये 60 रुपए की किताब है, तो भाई इसका फॉन्ट ही अलग है, क्योंकि ये भी दिक्कत है हमारे बच्चों को, अगर मैं अभी इस यू को ऐसे लिखने लगूंगा ना तो बच्चे कहेंगे वाह वाह क्या फॉन्ट है सर, वी है ना, बिल्कुल लहरा देंगे, ठीक है, तो बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, यार क्या लिखा है ना? उस किताब के फॉन्ट तुम देख लोगे ऐसा लगता है कि भाई टाइपराइटर ने बिल्कुल उंगलियां दबा दबा टप 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 वैसे करके टाइप किया है वो किताब।